नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, लेकिन वो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जिसे गांधीनगर और मुंबई के बीच आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह करीब 10:30 बजे गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन की यात्रा की। इस दौरान वह लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई और वहां पर भी सफर किया। इस दौरान उनके द्वारा वहां मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की। इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में भी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने इस ट्रेन में सफर नहीं किया था। अब आखिरी ऐसा क्या बात हुई आखिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के बाद साल 2022 में वंदे भारत का दोबारा उद्घाटन किया है, तो आइए चलिए आपको इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। वंदे भारत 2.0 का उद्घाटन, वंदे भारत नाम पहले ही एक हो, लेकिन इस बार जो ट्रेन में बहुत सारे बदलाव भी किए और नाम भले ही एक है लेकिन बदलाव इसमें बहुत अलग की है। वंदे भारत में सेमी हाई स्पीड से चलने वाली वंदे भारत सीरीज की ये तीसरी ट्रेन है। इसे वंदे भारत 2.0 भी कहा जा रहा है। एक ट्रेन दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा के लिए चलती है। ये तीसरी ट्रेन है जो गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान, उनका कहना है कि जिस तरह से हर बार स्मार्टफोन बदलाव के साथ आते हैं, उसी तरह से हर बार वंदे भारत ट्रेन भी अलग बदलाव के साथ आएगी। हालांकि नाम यही रहेगा। वंदे भारत 2.0 की लागत की अगर हम बात करें तो उसकी लागत में भी इस बार इजाफा हुआ है। जैसे कि कहा गया है कि हर बार की तरह इस बार भी ट्रेन जो है वो अपग्रेड होकर आएगी, तो इसी लागत में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब वंदे भारत 2.0 को ही ले लीजिए, इस ट्रेन की लागत जो है वो साल 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत से 15 करोड़ ज्यादा रुपए है। पहली जो वंदे भारत की लागत थी वो 115 करोड़ रुपए थी। पिछली 3 सालों की जो चली ट्रेन थी उनमें जो फीडबैक के आधार पर इसे जो है सेटिस्फेक्शनल में इसे बदलाव किया गया है और ज्यादा इसमें बदलाव लाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस वाली वंदे भारत के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें बदलाव लाए गए हैं। वंदे भारत 2.0 में बदलाव की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला बदलाव तो यह है कि ये ट्रेन 129 सेकंड्स में अपनी ड्रॉप स्पीड पर जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाती है। ये पिछली ट्रेनों से लगभग 16 सेकंड ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इस ट्रेन की पिछली ट्रेनों से इसे हल्का रखा गया है। इस ट्रेन का वजन लगभग 392 टन है जो पिछली ट्रेनों के मुकाबले 38 टन कम है। इस ट्रेन की जो सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस ट्रेन में ऑटोमेटिक एंटी जो है क्लिंचिंग सिस्टम कवच है जो पिछली ट्रेन में नहीं था। ऑटोमेटिक एंटी क्लिंचिंग सिस्टम कवच जो स्वच्छीलता टक्कर रोधी प्रणाली कवच भी इसे कह सकते हैं। इस ट्रेन के कोच में डिजाइनर लाइट्स हैं जो 3 घंटे का बैटरी बैकअप देती हैं। इसके बाहर साइड में 8 जो हैं वो प्लेटफॉर्म साइड कैमरे इसमें लगे हुए हैं। इसे कोच में पैसेंजर गार्ड कम्युनिकेशन की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। ये सुविधा जो है ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर के साथ मिलती है। ट्रेन की सीटों में भी बदलाव किया गया है। इसकी सीटों में झुकाव दिया गया है जबकि पिछली वाली ट्रेन से उनकी सीटें जो है वो फिक्स रहती हैं। इसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री तक का घुमाव जो है दिया गया है। वंदे भारत में पहले से बेहतर जो है वो क्लबिंग जो है ऑडियो और वीडियो को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसकी LCD में भी बदलाव किया गया है। जहां पहले वाली ट्रेन में 24 इंच की LCD थी तो वहीं इस में 32 इंच की LCD लगाई गई है। वाईफाई की सुविधा भी इसमें दी गई है। भारत ने 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का मिशन किया है जिसमें अगस्त 2023 तक 72 ऐसी ट्रेन जो हैं वो लॉन्च कर दी जाएंगी। इसके अलावा रात में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वंदे भारत में स्लीपर कोच लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। वहीं इसी तरह से तमाम वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।